हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 31 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 5 फेब 2021। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार काम करती है। तो डियर स्टूडेंट, थ्रू सम प्रीवियस वर्कशीट वी हैव स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। तो हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा बच्चों, स्टेट जो है वो किस प्रकार काम करता है। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी। तो आज हम यूनियन टेरेटरी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके किस प्रकार उनमें शासन किया जाता है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें, वी ऑल नो डैट देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरेटरी। तो हम ये सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितने 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरेटरी हैं। वाइल स्टेट आर एडमिनिस्ट्रेटर बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट होते हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा शासित किया जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी इज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पर लेकिन जो यूनियन टेरेटरी होती है उनका शासन कौन करता है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनका शासन चलाया जाता है। हाउएवर दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर इनमें क्या होता है बच्चों, आर सच यूनियन टेरेटरीज विच हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन तीनों ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अपनी क्या, इन सब इन तीनों की क्या अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। आपने सुना होगा दिल्ली में भी इलेक्शन होते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, पुडुचेरी में भी इलेक्शन होते हैं। तो इन तीनों की क्या आपस में, इन तीनों की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। द प्रेजिडेंट अपॉइंट गवर्नर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन ईच यूनियन टेरेटरी। तो जो प्रेजिडेंट होता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर हर एक यूनियन टेरेटरी में वो एक अपॉइंट करता है ताकि वो वहाँ पर अच्छे से काम हो सके। इन 1992 दिल्ली वॉज रीडिफाइंड एज अ नेशनल कैपिटल टेरेटरी। तो 1992 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरेटरी मतलब NCT, आपने सुना होगा NCT के नाम से इसको जाना जाता है। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर ऑल थ्री हैव देयर ओन इलेक्टेड लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, बट देयर पावर आर लिमिटेड। तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर ऐसे तीनों राज्य हैं जिनमें अपनी लेजिस्लेटिव है, मिनिस्टर भी हैं और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मतलब वहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या उनकी जो पावर है मतलब उनको कुछ लिमिटेड अधिकार दिए गए हैं, बाकी उनको बाकी अगर अधिकार उनको लेने होते हैं तो वो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही कर सकते हैं। सम ऑफ देयर लॉ आर इन्फोर्सेबल ओनली आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से ही बाकी के जो लॉ है उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या हमारा जो जैसे मैं सुनूंगा दिल्ली में जो है सरकार के हाथ में सारी पावर नहीं है, वो हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम मैप देख रहे हैं तो मैप में हमें ये जो रेड रेड दिखाई दे रही है इसे भी क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, ठीक है, तो पुडुचेरी ये सभी क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार ये सभी क्या है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं वर्कशीट को। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल द यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और टीचर। तो इसमें जितने भी हमारे यूनियन टेरेटरी उसके आपको गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के नाम लिखने हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या है हमारे हैं एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है श्री VP सिंह बदनोर, सुना होगा आपने। ये क्या हमारे यूटी का मतलब ये क्या है यूनियन टेरेटरी। नेक्स्ट है दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों की कौन है श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली, दिल्ली के कौन है श्री अनिल बीजल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर के कौन है श्री मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर। लक्षद्वीप के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। पुडुचेरी के बच्चों श्री किरण बेदी IPS रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और अंडमान निकोबार का कौन है देवेंद्र सिंह जोशी। ठीक है, तो आप ये सारे अपने नाम इसमें लिख देंगे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है द नेम्स ऑफ यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया आर गिवन इन द वर्ल्ड पजल, आइडेंटिफाई राइट देयर नेम इन द योर नोटबुक। तो यहाँ पे आपको पजल दी गई, इसमें जो भी आपके यूनियन टेरेटरीज को आपको फाइंड आउट करना है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पे क्या अंडमान निकोबार आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया।
नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे दमन एंड दीव, यहाँ तक। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है। तो चारों हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा एक दिल्ली भी है यहाँ पे, तो ये भी आप कर देंगे, ठीक है। तो ये दिल्ली, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी पांच में जो दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको इसके अलावा कोई दिखाई दे रहा है तो वो भी आप इसमें सर्कल करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिविटी टू। दिल्ली हैज एन लेजिस्लेटिव असेंबली, विच अदर यूनियन टेरेटरी इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली राइट इन नेम। तो हमें पढ़ा कि दिल्ली में क्या है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और साथ में दो ऐसे और स्टेट है जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो कौन कौन से बच्चों, नाम दिल्ली और पुडुचेरी। तो इस एक्टिविटी में आप लिखेंगे पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, आपका एक्टिविटी टू का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है, ये और ये सभी इसने बताया, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सभी वर्कशीट की वीडियो की लिंक आपको जल्दी से जल्दी मिलते जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसे लगे। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।